हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग एक्सरसाइज डिटरमाइनर से संबंधित और भी विशेष प्रकार से इस वीडियो में आर्टिकल्स का प्रयोग कैसे किया जाता है, यानी ए एंड डी का प्रयोग कैसे किया जाता है, इसके विषय में अध्ययन करेंगे और परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। डायरेक्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। नीचे के प्रश्न का उत्तर देने के लिए उचित विकल्प का चुनाव कीजिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प का चुनाव कीजिए टू आंसर द फॉलोइंग। नीचे के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला, आई वांट टू बाय लैपटॉप कंप्यूटर नेक्स्ट वीक। अगले हफ्ते मैं लैपटॉप कंप्यूटर खरीदना चाहता हूँ। I want to buy laptop computer next week. अगले हफ्ते मैं लैपटॉप कंप्यूटर खरीदना चाहता हूँ। लैपटॉप देख रहे हैं, यल से शुरू है, ठीक, और उच्चारण भी ल से हो रहा है, यानी व्यंजन से हो रहा है, कंसोनेंट से हो रहा है, तो स्वाभाविक है यहाँ ए लग जाएगा। यह हो जाएगा I want to buy a laptop computer next week. नंबर दो, कैन यू गो टू ग्रोसरी स्टोर अक्रॉस एंड बाई साल्ट। करा क्या तुम किराने की दुकान पर, उस पार किराने की दुकान पर जाकर के नमक खरीद सकते हो? इसका मतलब वह दुकान परिचित है ना, पहले से उस दुकान के विषय में वक्ता जानता है, परिचित है, और जहां भी परिचित व्यक्ति के लिए या वस्तु के लिए या चीजों के लिए आप करेंगे तब वहां पर आपको डी लगाना पड़ेगा, यानी इसका सी डी। तो हो जाएगा कैन यू गो टू दी ग्रोसरी स्टोर अक्रॉस एंड बाई साल्ट, यानी सी सही होगा, सी को भर देंगे डी। तीसरा, ही नोज हाउ टू ट्रीट लेडी। वह जानता है कि युवती से कैसे व्यवहार किया जाता है। अब लेडी का उच्चारण यल से शुरू है, बना है यल से, और उच्चारण भी लो हो रहा है, इसलिए इसके पहले ए आ जाएगा, तो यहां भर देंगे ए, यानी ए पहले नंबर पाया है। He knows how to treat a lady. वह जानता है कि एक युवती से कैसा व्यवहार किया जाता है। नंबर चार, जनरली बॉयज आर फिजिकली स्ट्रांगर देन गर्ल्स। सामान्यतया लड़के लड़कियों से अधिक ताकतवर, शारीरिक रूप से अधिक ताकतवर होते हैं। जनरली सामान्यतया लड़के लड़कियों से शारीरिक रूप से अधिक ताकतवर होते हैं। जब किसी कॉमन नाउन का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाता है, बृहद अर्थ में किया जाता है, उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, इसलिए यहाँ बॉयज के पहले भी कोई आर्टिकल इसलिए नहीं लगेगा कि बॉयज का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है, तो यहाँ सी हो जाएगा, नो आर्टिकल। नंबर पांच, लेट अस गो टू बीच। बी का उच्चारण बी से शुरू है और उच्चारण भी, यानी बी कंसोनेंट है, उच्चारण भी ब हो रहा है कंसोनेंट व्यंजन से, इसलिए यहां पर ए लगाएंगे। लेट अस गो टू ए बीच। चलो किसी समुद्री किनारे पर चलते हैं। नंबर छह, लॉस एंजल्स है मोस्ट आइडियल क्लाइमेट। लॉस एंजल का सबसे आदर्श वादी जलवायु होती है। जब सुपरलेटिव डिग्री आएगा तो उसके पहले दी अवश्य आएगा। मोस्ट आइडियल दिया ना, मोस्ट आइडियल, इसके आगे सुपरलेटिव डिग्री होगा, यानी ए, ए वाला डी। लॉस एंजल्स हैज द मोस्ट आइडियल क्लाइमेट। नंबर सात, He has always been very good boy. वह सदैव बहुत अच्छा लड़का रहा है। वह सदैव बहुत अच्छा लड़का रहा है। अब यहाँ भी से शुरू है, देख रहे हैं एडजेक्टिव, और वे वह से उच्चारण भी आ रहा है, इसलिए ए भर देंगे और ए है बी वाले में। तो he has always been a very good boy, यहाँ ए डालेंगे जो बी नंबर पर दिया है। नंबर आठ, food that you cooked was very good. भोजन जो तुमने पकाया बहुत अच्छा था। भोजन जो तुमने पकाया बहुत अच्छा था।
अब भोजन कौन परिचित भोजन है ना, दी फूड विशिष्ट भोजन की बात हो रही है। दी फूड यू कुक्ड दैट यू कुक्ड वाज वेरी गुड। नंबर 9, दे यूजुअली स्पेंड देयर हॉलीडेज इन माउंटेन्स, सामान्यतः वे अपना छुट्टियां पहाड़ों पर बिताते हैं। हॉलीडेज इन द हिमालय, इन द माउंटेन्स, इन द माउंटेन्स पर्वतों पर बिताते हैं। यह था एक्सरसाइज नंबर 1। एक्सरसाइज नंबर 1 का आंसर यहाँ लिखा हुआ। अब आइए एक्सरसाइज नंबर 2 पर। चूज द करेक्ट ऑप्शन, उचित विकल्प का चुनाव कीजिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन, उचित विकल्प का चुनाव कीजिए। टू फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान में भरने के लिए उचित विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला, आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर लॉन्ग टाइम। आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर लॉन्ग टाइम। लॉन्ग का उच्चारण शुरुआत ईयर से हुआ है और उच्चारण भी लो हो रहा है, इसलिए ए। आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम। दूसरा, ही ड्राइव्स एट ए स्पीड ऑफ 80 miles एन आवर। आवर का उच्चार शुरू तो है यक से, लेकिन यक साइलेंट है, लिखते हैं आवर, पढ़ते हैं आवर, इसलिए एन आवर। वह ही ड्राइव्स, वह चलाता है एट स्पीड ऑफ 80 miles एन आवर, प्रति घंटा 80 किलोमीटर की चाल से वह गाड़ी चलाता है, इसलिए यहाँ एन हो जाएगा, एन आया है बी पर। नंबर 3, वी आर हैविंग फिश फॉर डिनर। अब यहाँ देखे वी आर हैविंग, हम लोग ले रहे हैं मछली, ले रहे हैं कहाँ पर, फॉर डिनर। रेगुलर मील्स के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, रेगुलर मील्स के पहले यानी भोजन के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, तो सी, नो आर्टिकल, यानी सीधे लिख देंगे वी आर हैविंग फिश फॉर डिनर। नंबर 4, स्टार्टेड आई बॉट डोजन ऑफ पेंसिल। डोजन डी से शुरू है और उच्चारण डो से हो रहा, डोजन यहाँ ए लग जाएगा। स्टार्टेड आई बॉट ए डोजन ऑफ पेंसिल और यह है ई, ए वाले में। नंबर 5, दी ओल्ड लेडी हैज लॉट ऑफ मनी। बूढ़ी महिला के पास, वृद्ध महिला के पास ढेर सारा धन है, तो लॉट ऑफ का मतलब ए लॉट ऑफ मनी, ए लॉट ऑफ मनी। नंबर 6, एपिल यू गेव मी वाज रॉटन। जो सेब तुमने दिया था सड़ा हुआ था, रॉटन सड़ा हुआ था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दी डाल देंगे, दी एप्पल यू गेव मी वाज रॉटन, और ये लिखा हुआ डी पर। नंबर 7, दी पेशेंट वेंट टू हॉस्पिटल फॉर हिज ट्रीटमेंट। मरीज हॉस्पिटल में अपने इलाज के लिए गया, अयवादे उसका स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ, चर्च हुआ, टेम्पल हुआ, हॉस्पिटल हुआ, बेड हुआ, अपने उद्देश्य, जिस उद्देश्य के लिए बने उसके लिए जाएगा आदमी, कोई आर्टिकल नहीं लगता, इसलिए यहाँ हो जाएगा दी पेशेंट वेंट टू हॉस्पिटल, कोई आर्टिकल नहीं रहेगा, यानी ए वाला। 8, वाट ब्यूटीफुल सीन दिस इज, आश्चर्यबोधक वाक्य है, विस्मयबोधक वाक्य है, इसलिए यहाँ वाट ए लगाएंगे, वाट ए ब्यूटीफुल सीन दिस इज, कितना अद्भुत यानी सुंदर दृश्य है, बी वाला है ना। तो इस तरह से देख रहे हैं कि दिए गए प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाता है। इस दूसरे एक्सरसाइज का आंसर भी यहाँ पर लिखा हुआ है। अब फिर इसके आगे अगले एक्सरसाइज के विषय में अगले वीडियोस के अंतर्गत दिया जाएगा।